और एक मशहूर शायर ने कहा था कि किसी एक मसले से हज़ारों के मसले जब हल हो रहे हों तो उस मसले को हल नहीं किया जाता। मेरा ये मुद्दा है कि आप कश्मीर को इंडिपेंडेंटली एक मुल्क बना दें जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मोहब्बतें बहाल हो जाएंगी। लेकिन कोई नहीं, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मेरी खुद खाला हिंदुस्तान की हैं और पार्टीशन के बाद बॉर्डर पर लकीरें खींच गईं, वरना हमारे दिल एक ही थे। हम तो यही चाहेंगे कि यार हमारे एशिया में आता है, हमारा हम साया मुल्क है, हमारे जितनी जल्दी हो सके उनके साथ तल्लुक अच्छे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? ज़रूरी ये नहीं है कि वो हिंदू हैं और हम मुसलमान कौम हैं, लेकिन हमारा हम साया मुल्क है। हम तो यही चाहेंगे ना हमारे उनके साथ तल्लुक अच्छे हों जितना भी जल्दी हो सकता है। सारे जितनी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कश्मीर इशू ये वो जितने भी चल रही हैं, जैसे अब सैलाब का भी आ रहा है इशू, भी हमारे भाई ही रहते हैं। कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी की बात हमारे दिल में है नहीं, ना होनी चाहिए, क्योंकि हमें अमन का पैगाम देना चाहिए वहाँ पर भी और यहाँ से भी अमन का पैगाम वहाँ पर जाना चाहिए वहाँ से। Hi viewers, this is Shahid here. You are watching my YouTube channel Team Swag. लोगों से जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इंडिया का नाम सुनते ही उनके जहन में क्या ख्याल आता है। चलते हैं लोगों की जाने, पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपका नाम? आगा सरवर। आगा साहब, अच्छा सर आज का मेरा सवाल ये है आगा साहब कि इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या ख्याल आता है? इंडिया का जहन में तो यही आता है कि पड़ोसी मुल्क है और हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी हैं, कह लें कि आप बड़े ऐसे माशी ताल्लुकात भी हैं, हम लोग उनसे तिजारत भी करते हैं, बड़े अच्छे हैं। ये अलग बात है कि हमारा वो मुखालिफ है, लेकिन कोई नहीं, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मेरी खुद खाला हिंदुस्तान की हैं और पार्टीशन के बाद बॉर्डर पर लकीरें खींच गईं, वरना हमारे दिल एक ही थे जी। तो आपको लगता है कि जो वहाँ की आवाम है और यहाँ की आवाम है इनको एक हो जाना चाहिए आपस में आने जाने में? जो देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली का विज़न ये था कि मुसलमान और हिंदू कभी भी एक नहीं हो सकते। सॉरी टू से, बट ये नहीं कि मैं मुसलमान और हिंदुओं के बीच में दरार खींच रहा हूँ। हर इंसान को हक़ है कि वो अपनी मजहबी आज़ादी से रहे। आप देखें कि पाकिस्तान में आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा कभी किसी हिंदू को कोई मसला हुआ हो, लेकिन हम आए दिन ये बात सुनते हैं कि वहाँ के जो भी पंडित हैं या मंदिर में जो कहते हैं, अभी मैं सुन रहा था कि वहाँ पर जो जहाँ मौलवियों को बोला जा रहा है कि आप दाढ़ी काट दें, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, 20% वो लोग होंगे लेकिन 80% वो लोग हैं जो इस बात से अपने ही मुल्क में मुखालफत भी कर रहे हैं। एक हो जाना ये कोई बात नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट हमने बड़ी 5 लाख लोग मरे हैं यार, पार्टीशन के वक्त 5 लाख लोग मरे हैं पाकिस्तान आते हुए। तो क्या लगता है आपको, अगर आप एक हो जाएं तो आप उनकी कुर्बानियों को ज़ाया कर देंगे? बताएं, आप बताएं, ज़ाया कर देंगे आप उनकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है, देखें कि अगर आप इंडिया है, अब इंडिया के लोग भी पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उस हवाले से आपसे बात की जा रही है कि देखें अगर पाकिस्तानी वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, यहाँ देखना चाहते हैं, तो हिंदुस्तानी नहीं तुर्की भी प्यार करता है हमसे, क्या कहते हैं जो फ़लस्तीनी भी प्यार करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा जो मस्जिद अक्सा के जो मौलवी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए दुआ की है। हमसे तो पूरी दुनिया प्यार करती है। बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं हम लोग पूरी दुनिया के बॉर्डर काट कर हम लोग एक ही कर लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं होती। हाँ, मोहब्बत अगर आप करते तो आप भी मोहब्बत भेजें। आप देखें हमारी मोहब्बत बड़ी अच्छी है, 14 अगस्त को वहाँ से मिठाइयाँ आती हैं हमारे लिए बॉर्डर पे, लाहौर के बॉर्डर पे, और 15 अगस्त को हम यहाँ से मिठाई भेजते, तो इनफ है ये मोहब्बत। हाँ, आप ग्लेशियर सैशीन ग्लेशियर है वहाँ से अपनी आर्मी बुलाएं, पाकिस्तान भी बुलाएं, फिर ये मोहब्बत कैसे वहाँ पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया हमारी आर्मी ने, उनकी आर्मी ने, तो ये कोई बात नहीं होती। मोहब्बत वाकई में हम लोगों के दिलों में है और हम दुआ भी ये करते हैं ऐसी मोहब्बत कायम रहे। सर बस मेरा आखिरी सवाल है ये कि अगर आने वाले टाइम में क्या हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए? देखें, ये बेहतर ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? आप ये देखें कि हमारी माजी में जितनी हुकूमतें गई हैं उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नफ़रतों के बीच बोए, और एक मशहूर शायर ने कहा था कि किसी एक मसले से हज़ारों के मसले जब हल हो रहे हों तो उस मसले को हल नहीं किया जाता। मेरा ये मुद्दा है कि आप कश्मीर को इंडिपेंडेंटली एक मुल्क बना दें जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मोहब्बतें बहाल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? असद। असद, असद साहब मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या ख्याल आता है? इंडिया का नाम सुन के यही आता है हमारा हम साया मुल्क है, ठीक है, काफ़ी जगह हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है उनके साथ, कश्मीर इशू है और भी काफ़ी इशू है, रिसेंटली एशिया कप चल रहा है जैसे आपको पता है,
तो काफ़ी मतलब एशिया में भी आता है हमारे, तो काफ़ी उनसे जब से हम इंडिपेंडेंस हुई है कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं देखा कि हमारे उनसे कोई दोस्ती का ताल्लुक हो या कुछ और इस तरह की कुछ बात हो, कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप, मतलब जो आने वाले वक्त है उसमें आप उनके साथ अपने ताल्लुकात किस तरह से देखते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि यार हमारे एशिया में आता है हमारा साया मुल्क है, हमारे जितनी जल्दी हो सके उनके साथ ताल्लुक अच्छे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, ज़रूरी ये नहीं है कि वो हिंदू हैं और हम मुसलमान कौम हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क है, हम तो यही चाहेंगे ना हमारे उनके साथ ताल्लुक अच्छे हों जितने भी जल्दी हो सकता है। सारे जितने भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कश्मीर इशू ये वो जितने भी चल रही हैं, जैसे अब सैलाब का भी आ रहा है इशूज़, वो भी काफ़ी सुनने में यही आया है कि उनकी वजह से ही आया है, तो ये बात अच्छी नहीं। हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो हमारा ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो, चाहे वहाँ हमारी उनसे दोस्ती बेहतर हो। सर देखें, एक आपका दोस्त होने के नाते आपके मुल्क का यानी कि हम आया होने के साथ, उन्होंने बकायदा 72 घंटे पहले इन्फॉर्म किया कि जी आप अपनी तैयारी कर लें, हम पानी छोड़ने जा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि 72 घंटे पहले उन्होंने हमें टाइम आउट कर दिया है कि इतनी देर बाद सैलाब आएगा, लेकिन आप खुद देखें जिनके पास एक घर है, इन इतनी चीज़ें हैं, उनके जानवर हैं, मवेशी मंडी हर चीज़ है, वो अपनी चीज़ें कहाँ पे लेके जाएंगे? इस बात का तो कोई रीज़न नहीं ना बनती कि वो अपना सारा सेटअप उठा के कहाँ लेके जाएंगे। अब एक गरीब है, झुग्गी में रहता है, उसके पास चीज़ें, वो अपनी चीज़ें कैसे सेव करेगा? ठीक है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? अभी तक तो जैसे चल रहा है मुल्क इन्वायरमेंट चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है। हम यही चाहेंगे कि अपने हुक्मरान को यही मैं मैसेज दूंगा कि उनको चाहिए कि अपने मुल्क को जल्दी से जल्दी स्टेबल करें। महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट है वो भी, हर चीज़ पर टैक्स डल रहे हैं, वो स्टेबल किसी चीज़ का कुछ मिल ही नहीं रहा, रिलीफ मिल ही नहीं रहा, और ले ही जा रहे हैं बिजली का भी, हर तरफ से आवाम दस ही रही है ज़मीन में। बस यही कहूँगा कि बेहतर करें अपने निज़ाम जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है सर, कोई पैगाम देना चाहें इंडियन ऑडियंस को इस हवाले से? इंडियन ऑडियंस को पैगाम यही दूंगा कि उनको ये चाहिए कि वो हमसाया मुल्क है, हमसे वो ताल्लुकात अच्छे रखें। ठीक है, वो डिग्रेड भी करते हैं काफ़ी, वो हमेशा से डिग्रेड ही करते आए हैं, कभी उन्होंने पाकिस्तान के फेवर पर बात नहीं की। ठीक है, पाकिस्तान फिर भी उनके फेवर में बात कर लेता है, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे फेवर में कोई बात नहीं की। ठीक जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई जान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? रोहान। रोहान, रोहान साहब, आज मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करने वाले हैं, कि आप जैसे इंडिया का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है? यार ख्याल क्या आना है, यही ख्याल आता है कि वहाँ पे भी हमारे भाई ही रहते हैं, कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी कोई बात हमारे दिल में है नहीं, ना होनी चाहिए, क्योंकि हमें अमन का पैगाम देना चाहिए वहाँ पे भी, और यहाँ से भी अमन का पैगाम वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ से भी आना चाहिए। तो अच्छे ख्याल रखें अपने दिल में, सब अच्छे ख्याल रखें, ऐसे कोई दिल में ऐसी कोई बुगज़ ना रखें, ऐसी कोई दुश्मनी ना रखें दिल में कि बाद में मतलब बड़ा इशू बन जाए और हमारे लिए प्रॉब्लम हो, हमारे मुल्क के लिए उनके लिए प्रॉब्लम हो। तो एक अच्छा मैसेज ही वहाँ पे जाना चाहिए, अच्छा पैगाम ही रहता है, हमारे भाई रहते हैं वहाँ पे, तो एक अच्छा पैगाम ही रहता है, वो भी एक कंट्री है, हम भी एक कंट्री है, बस फ़र्क इतना सा है वो डेवलप्ड है, हम अंडर डेवलप है, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी डेवलप करेगा, तो इंशाल्लाह अच्छा पैगाम है उनके लिए। अच्छा सर, ये मेरा सवाल है, आप मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? यार कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता, अगर इंडिया पे अच्छा वक्त है तो हमारे पे भी अच्छा वक्त आएगा, अगर उन पर डाउनफॉल है तो हमारे पे भी डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, अभी हमारा डाउनफॉल चल रहा है कंट्री का, थोड़ा कुछ ऐसी वजह वजूहत की वजह से, अल्लाह माफ़ करे से लाख भी जैसे हमारा कोई डाउनफॉल चल रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के कदम से हम भी उठेंगे, और हम इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा होंगे, हम भी सुपर पावर हैं, हम मतलब कि 52 मुल्कों में यार 52 मुल्कों की एक ऐसा मुल्क पहचाना जाता है पाकिस्तान, जो एक एटमी ताकत है, तो हम पाकिस्तान को अच्छा कहेंगे, इंडिया को तो हम अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा अपना मुल्क प्यारा पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान को अच्छा कहेंगे। तो कोई अमन का पैगाम देना चाहें? अमन का पैगाम ये है यार, अपने दिल से बुरी बातें निकाल लो, अच्छी बातें अपने दिल में डाल लो। ठीक है, उनको भाई समझो, वो हमें भाई समझें, तो ये ऐसे ही है, लड़ने से कुछ नहीं मिलना, तो अच्छा पैगाम आप भी हमें दो, हम भी आपको अच्छा पैगाम देते हैं, एक अमन पुरसकून से हम रहेंगे दो मुल्क, तो अच्छी बात है, आप भी डेवलप और कर दोगे, हम भी डेवलप कर देंगे, तो एक अच्छा पैगाम ही जाना चाहिए और अच्छा पैगाम ही वहाँ से आना चाहिए। थैंक यू। जी नाजरीन, वीडियोज़ आपको हमारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टीम स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस बरवक्त मिलती रहें। इसी के साथ अपने मेज़बान दोस्त शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।